बधाई हो बहना, बधाई हो। आखिर तुम सिंगापुर से इंडिया आ ही गई। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे अपने भाई से कह देती मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेने आता। अच्छा तो यही थी कि तुम आते एयरपोर्ट, लेकिन मुझे लेने नहीं, उस आदमी की लाश लेने जिसे तुमने भेजा था करण को मारने के लिए। तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया, अब क्या होगा? हाँ, वैसे एक बात बता दूं बहना, मुझे अगर पता था कि तू जेल से छूटने वाली तो करण को मरते हुए देखने के लिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। आखिर भाई हूं तुम्हारा मैं, तुम्हारी परेशानी तो मैं देख नहीं सकता। लेकिन जहां तक करण का सवाल है, उसे सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता याद आने लगी थी, इसलिए उसका मरना बहुत जरूरी है। तुम मेरी प्रॉब्लम समझ सकती हो? ना कंस मामा कन्हैया को कल मार सका, ना आज तुम मेरे कन्नू को मार सकते हो, कभी नहीं। आज मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सबके सामने मुझे हत्यारण मां साबित करो। मैंने उस दिन भी करण की जान बचाई थी और आज भी आज नहीं आने दूंगी। अरे छोड़ो, कब तक बचाती फिरोगे अपने करण को? वैसे एक बात बता दूं प्रतिभा, करण को यही लगता है कि जो औरत सिंगापुर में उसका पीछा कर रही थी उसे जान से मारना चाहती थी। और एक बात बताऊं, वो अपनी माँ से अब नफरत करने लगा है। आज वो मेरे बारे में जो भी सोचे, लेकिन कल जब सच्चाई सबके सामने आएगी तो तुम्हारा क्या होगा? जेल में सजा काटने वाली माँ पर विश्वास करेगा कौन मेरी बहना? मेरे अपने मुझ पर भरोसा जरूर करेंगे, भगवान मेरे साथ है, वो सब जानते हैं। और एक ना एक दिन मेरी मदद करने के लिए किसी न किसी को जरूर भेजेंगे। भगवान, भगवान को किसी को अगर भेजना होता ना बहना, तो अब तक भेज दिया होता। वैसे भगवान ने मुझे जरूर भेज दिया तुम्हारे लिए, जानती हो क्यों? ताकि मैं तुम्हें उनके पास भेज सकूं, इससे पहले कि तुम मेरी परेशानी और बढ़ाओ। मैं ये संभावना भी हमेशा हमेशा के लिए मिटा देता हूँ। वैसे भी दुनिया के लिए तुम मर चुके हो, अब मरे हुए को मारने की तो कोई सजा नहीं है। आज ये कहानी खत्म कर देता हूँ मैं। बस थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। छोड़ो मुझे। According to psychosomatic theory of dream, सपने किसी सोच के या किसी इमेज के ही एक्सटेंशन होते हैं। और जैसा कि आपने मुझे अपने पति के बारे में बताया, उससे मुझे लगता है कि आपके पति के दिमाग में उस घटना के बारे में आज भी वही अर्थ है जो उन्होंने बचपन में देखी थी। कुछ समझे नहीं हम। देखिए मिसेज आभा, मुझे लगता है कि वो घटना इतनी तेजी में, इतनी जल्दबाजी में हुई होगी कि एक 5 साल के बच्चे को उसे समझने का समय ही नहीं मिला, और उस वक्त उसे जो भी लगा वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में अटक कर रहेगा। अब मैं और सह नहीं सकती, इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए वो मुझे जान से मार देगा। ठीक है, फिर ये पार्टी भी नहीं होगी। तुम्हारे बिना अपना बर्थडे मनाने का क्या मजा है यार। प्लीज निखिल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट्स ओके यार, मैं पार्टी में जरूर आ जाऊंगी। जो भी हो जाए, पार्टी हम साथ में ही मनाएंगे। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। अब ये सैड सा फेस बनाना बंद करो। बी हैप्पी। ठीक है, अब मैं देर हो रही है, मैं चलती हूँ, बाद में बात करते हैं। बाय। ओके बाय। मिस्टर रंजीत, उस लड़की को मैंने पार्टी में आने के लिए राजी तो कर लिया है, लेकिन आपने जो उसके साथ करने के लिए कहा है वो थोड़ा रिस्की है। कुछ एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे उसके। ओके। हे भगवान, ये लड़का भी मिला हुआ है, मुझे कनिका को रोकना होगा, किसी भी हालत में रोकना होगा उसे पार्टी में जाने से। मुझे ये बात मैया को बतानी होगी।